रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमर साजिद। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस वीडियो, जिसमें आपके पास लिखा गया है आपको कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपको डिफरेंट इनइक्वालिटीज दी गई हैं और कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज़ का आपने नाम लिखना है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है, ये ग्रेटर लेस देन या ग्रेटर देन का आपके पास साइन आ जाए तो ये इनइक्वालिटीज़ बन जाती हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप चलेंगे पेज नंबर 8 पर, बुक के पेज नंबर 8 पर इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। इसको आप समझें, दो आदमी हैं, एक का ए है और एक क्या है, बी है। एक का पेट निकला हुआ है, क्योंकि इसका पेट निकला हुआ है हम कहेंगे ए का वज़न ज़्यादा है बी से, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो जिस साइड इसका पेट निकला हो इस तरह करके वो ग्रेटर होता है, और दूसरी साइड क्या होती है, लेस, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ये क्या है, बी बड़ा है ए से, तो हम पढ़ेंगे ए इज़ लेस देन बी। तो पहली प्रॉपर्टी है ट्राइजोटोमी प्रॉपर्टी, अगर ए और बी एलिमेंट हो रियल के, तो इसके दरमियान के दरमियान तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, या ये आपस में इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर होगा बी से, यहाँ ए लेस होगा बी से, यानी कि तीन दो रियल नंबर यहाँ आपस में बराबर हो सकते हैं, या एक दूसरे से बड़ा होगा या एक दूसरे से छोटा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है ट्राइजोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिट होती है, यानी कि अगर आप ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो जो ए है वो सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर आप सबसे बड़े हैं घर में, आप बड़े हैं अपने छोटे भाई से, और आपका छोटा जो भाई है अपने छोटे बहन से मजीद बड़ा है, तो आप सबसे बड़े होंगे घर में, ए इज़ ग्रेटर देन सी। इसी तरह ए इज़ लेस देन बी हो, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए जो है सबसे छोटा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर देखा जाए ए इज़ ग्रेटर देन बी या ए इज़ लेस देन बी, आप सेम नंबर सी ऐड करते हैं तो ग्रेटर का साइन ग्रेटर ही रहेगा और लेस देन का साइन लेस देन ही रहेगा, यानी कि इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सेम अमाउंट दोनों साइडों पर ऐड कर दें, ग्रेटर का साइन ग्रेटर ही रहता है और लेस देन का साइन लेस देन ही रहता है। इसी तरह अगर आप देखें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, अगर इनइक्वालिटी का साइन सेम हो, ए बी से बड़ा और सी डी से बड़ा है, तो ए में सी को ऐड करें और बी में डी को, यानी कि बड़े में बड़े को ऐड करें छोटे में छोटे को, तब भी इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए इज़ ग्रेटर देन सी और बी इज़ ग्रेट, मतलब ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस डी, ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस डी बनता है। ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर हैं ए बी और सी, ए बी और सी एलिमेंट है रियल के, ए है ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी वो भी जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो सी है दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो ग्रेटर का साइन ग्रेटर में ही रहेगा और लेस देन का साइन लेस देन में ही रहेगा। लेकिन अगर तीन रियल नंबर ए बी और सी एलिमेंट है रियल के, और सी जो सा है वो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव मल्टी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर का जो साइन है वो लेस देन में और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, इस तरह ए बी सी डी उन्होंने रेशियो के लिहाज से लिखी हुई है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इनको आपने वन बाय वन एक लिंक डेवलप करना है। लिखा हुआ है -3 इज़ लेस देन -2, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट है, वो 0 इज़ लेस देन 1 है। तो -3 -2 है, आप देखें तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि ये भी लेस देन था, ये भी लेस देन रहा, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हमने इसको मल्टीप्लाई किया होगा किसी नंबर से जो ग्रेटर देन 0 है, या हमने इसमें नंबर ऐड किया। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो इसमें हमने 3 में अगर ऐड करूँ मैं +3 को यहाँ पर भी, और -2 में भी ऐड करूँ +3 को, तो ये 3 से 3 काट जाएगा 0, -2 प्लस तो क्या आएगा 1, तो हमने +3 यानी कि सेम नंबर दोनों साइडों पर ऐड किया तो हमें आउटपुट मिल गई। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, आप इसको लिख सकते हैं।
इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो माइनस फोर इज लेस देन माइनस, माइनस फाइव इज लेस देन माइनस फोर, लेकिन इसे बन रहा है ट्वेंटी इज ग्रेटर देन सिक्सटीन। तो एक तो लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो गया। अब लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कैसे चेंज होगा, अगर माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करें माइनस फोर से, और इस साइड पर भी आप माइनस फोर को मल्टीप्लाई करें माइनस फोर से। अब मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो सा है वो माइनस है, यानी कि जो c है अगर आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखें और c इज लेस देन जीरो हो तो लेस देन का साइन चेंज हो जाता है ग्रेटर देन के साइन में। फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस तो प्लस सिक्सटीन। तो हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, c इज लेस देन जीरो से, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये। इसी तरह वन इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, यानी कि दोनों साइडों पर हमने सेम नंबर ऐड किया है। वन में भी हमने ऐड किया माइनस फोर को और माइनस वन में भी ऐड किया माइनस फोर को। जब सेम नंबर ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके पास दोबारा से वही आ जाता है, वन माइनस फोर होता है माइनस थ्री, माइनस वन माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस फाइव। तो ये बेसिकली दोनों साइडों पर माइनस फोर ऐड कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ है ए इज लेस देन ज़ीरो, अगर उसे माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो में चेंज किया है तो बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पर देखिए लेस देन का साइन किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में। तो इसका मतलब है हमने इसको मल्टीप्लाई किया किसी नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर क्या होगा यहाँ पर माइनस वन, तो दोनों साइडों पर हमने मल्टीप्लाई किया जब माइनस वन से, तो लेस देन का साइन किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में। तो ये आपके पास बन गया माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा सी जो लेस देन जीरो हो, तो ग्रेटर का साइन लेस में और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज होता है, लेकिन ऐड करने पर वो चेंज नहीं होता। तो एडिशन में हमने चेंज नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ चेंज करना है। तो ये दोनों इक्वल आ गए अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो इससे ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, तो इससे जो बन रहा है वन बाय ए इज लेस देन वन बाय बी, यानी कि अगर हम इसको देखें तो एक तो ग्रेटर का साइन किस में चेंज हो रहा है, लेस देन में, ठीक है। दूसरा हम अगर दोनों साइडों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए है इसको मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय ए बी से, इसी तरह ये है बी इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय ए बी से, आगे ही लिखते हैं वन बाय ए और बी से। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो ये बन जाएगा वन बाय बी इज ग्रेटर देन वन बाय ए। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए वन बाई ए जो है वो लेस है, इसी की तरफ चोंच और इसकी तरफ मुंह, तो हमने इसमें कोई सिर्फ क्या किया है ए बी से मल्टीप्लाई किया है और ये साइड हमारे पास बन गई है, तो ये कहलाती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों साइडों को हमने एक सेम नंबर वन बाई ए बी से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसके नेक्स्ट में पार्ट में देखें तो लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन माइनस बी, ये मैंने सही पार्ट गलत लिखा है, तो यहाँ पर है सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी है प्लस है, तो माइनस ए इज लेस देन माइनस बी, इससे हमने ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर का साइन लेस देन में चेंज हो गया, ए इंटू माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी बनी है, क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर एक सी से मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है,
मल्टीप्लीकेटिव, इनके स्पेलिंग देख लीजिएगा तो प्रॉपर्टी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो देखने के लिए आप एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और साथ बाय उमर साजिद लिखें, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 बेसिकली एमसीक्यू टाइप एक्सरसाइज है, ना इससे शॉर्ट आ सकते हैं ना इससे लॉन्ग आ सकते हैं, एक एक लाइन का सिर्फ इसका आंसर है और ये एमसीक्यूज में आपसे प्रॉपर्टी सिर्फ पूछेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और फिर ऑनवर्ड।